हेलो दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सो फाइनली ना फ़ोन ठीक हो चुका है और ताल से ही मेरा काम हो गया था। कल भीमताल गए हुए थे, फ़ोन ठीक कराया, उसके बाद आते वक्त कुछ सूट करे आप लोगों के लिए, आप उसको देख लीजिए। तो काफ़ी मस्त सीन आ रहे थे शाम के समय में, घर भी करीब लेट पहुँचा, करीब 8 साढ़े 8 बजे तक। तो देख लीजिए कल कैसा रहा, जब फ़ोन ठीक कराने के बाद जब घर को आए वापस भीमताल से कैसे ले के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और बाकी फ़ोन तो ठीक हो ही गया है और कल से ना आपके लिए फिर रेगुलर ब्लॉग आने लग जाएंगे। फ्रेंड, फ़ोन ठीक कराने के बाद ना अभी हम लोग पहुँचे हैं चांफी पे और यहाँ पर रुके हुए हैं। थोड़ा आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखिए, जो परसों बारिश हुई ना, बारिश से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। ऊपर से पहाड़ थोड़ा खिसका हुआ है, मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई है, यहाँ नीचे गधेरे तक पहुँची हुई है और बारिश काफ़ी तगड़ी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग हैं चांफी पुल पर। और ना मैं आपको पानी का फ्लो दिखाता हूँ, जो पानी बह रहा है इसके नीचे से। बहुत भयंकर बारिश हुई 2 दिन, तो काफ़ी तगड़ी बारिश हुई। ये देखिए कितना पानी भरा है नदी में। ये देखिए फ्रेंड, नदी में बहुत पानी चल रहा है अभी। और ना दूसरी तरफ भी, इसकी दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको। परसों की बारिश से थोड़ा बहुत तो नदियों में भी पानी भर गया, यानी नदियाँ थोड़ा अपना जो उनका जल स्तर है ना, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये देखिए, तो निकलते हैं फ्रेंड यहाँ से अब। तो फाइनली फ्रेंड हम चल दिए हैं चांफी से ऊपर की तरफ। अब आएगा हमारा पदमपुरी एरिया, उसके बाद पोखराड़, भालूगढ़ वाटरफॉल, फिर आएगा हमारा कसिया लेक एरिया। तो अंधेरा तो हो ही जाएगा करीब शाम के 5:30 बजे का अभी समय हो रहा है। और सामने पहाड़ियाँ देखिए, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और हरियाली तो आजकल छाई रहती है चारों तरफ। ये देखिए फ्रेंड, पहाड़ एकदम मस्त लग रहे हैं आजकल, हरियाली मस्त लग रही है और सनसेट भी हो चुका है और नज़ारे काफ़ी शानदार आ रहे हैं शाम के। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं अपने स्क्रीन पर कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फाइनली दोस्तों, हम ना पदमपुरी पे बस पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पे भी हरियाली काफ़ी अच्छी लग रही है, ऊपर नीचे ना दोनों तरफ चीड़ के पेड़ हैं, पहाड़ भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं दूर दूर तक, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। 2 दिन तो काफ़ी तगड़ी बारिश हुई और यहाँ देखिए हरियाली। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं ना पदमपुरी के सैम मंदिर के, वहाँ पर स्थानीय मंदिर है इस क्षेत्र का। तो 2 मिनट यहाँ पर रुक रहे हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधे अपने सफ़र में कसिया लेक की तरफ को। यही है पदमपुरी का सैम मंदिर, इस जंगल के बीच में यह आता है। और सीन्स देखिए सामने के मस्त। और यहाँ पर भी देखिए कितने नीचे नदी बह रही है, एक जो अभी पदम चांफी पे आपको दिखाया ना, तो वो नदी यहाँ से आती है पदमपुरी पोखराड़। सो फाइनली दोस्तों, पूरी तरह हमें अंधेरा हो चुका है। हम अभी हैं पोखरा रिवर पे और गाड़ी पास हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ना पानी बहुत बह रहा है। देखिए बड़ी मुश्किल हुई सुबह भी हमें आते वक्त, परसों तो एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पा रही थी। भालूगढ़ वाटरफॉल के पास ही है ये, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल रही यहाँ से, बहुत ज़्यादा फ्लो है पानी का। और हमको भी ना बड़ी सावधानी से, अंधेरा हो चुका है, निकालनी होगी अपनी बाइक निकल के चलेंगे कसिया लेक। देखिए आप, आज तो कम है पानी, कल ज़्यादा था पानी, परसों बारिश शुरू की है, परसों भी बहुत ज़्यादा था पानी, परसों तो गाड़ियाँ निकल भी नहीं रही थी। आज भी थोड़ा आराम से ही निकालनी हो रही है गाड़ी, क्योंकि तेज़ बहाव है पानी का। सो फाइनली दोस्तों, हम निकल गए हैं यहाँ से आप कसिया लेक की तरफ को, पहुँचते हैं घर पे। फ़ोन भी ठीक हो गया, थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए शूटिंग भी हो ही गई है, बिल्कुल पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। तो मिलता हूँ आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।